इंडियन रेलवे इस ट्रेन ने रेलवे को दिया बासठ करोड़ का घाटा रोजाना खाली रहती हैं सैकड़ों सीट इंडियन रेलवे ने निजी ऑपरेटर्स के साथ ट्रेन से हो रहे लगातार नुकसान को देखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने फिलहाल किसी दूसरी ट्रेन प्राइवेट ऑपरेटर कंपनी को देने का निर्णय टाल दिया है अगर किसी एक खास ट्रेन के बासठ करोड़ रुपए का घाटा देने की खबर आपको पता चले तो शायद पहली बार में आपको यकीन ना हो और आप सोचने पर मजबूर हो जाएँ लेकिन यही पूरी तरह सही है दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से तीन साल पहले तेजस ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में सौंपा गया था यह पहला मौका था जब रेलवे ने यह प्रयोग किया लेकिन रेलवे का यह प्रयोग सफल नहीं हो रहा है फेरे भी कम कर दिए गए। फिलहाल दिल्ली से लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के लिए तेजस ट्रेनों का संचालन किया जाता है ये दोनों ही ट्रेन बड़े घाटे में चल रही हैं दिल्ली से लखनऊ वाया कानपुर सेंट्रल चलने वाली तेजस इस समय सत्ताईस पॉइंट बावन करोड़ घाटे में है दरअसल इस ट्रेन में यात्रियों के कम सफ़र करने के कारण ट्रेन घाटे में चल रही है इस कारण तेजस ट्रेन घाटे में चल रही है इस कारण ट्रेन के फेरे राउंड भी कम कर दिए गए पहले इस ट्रेन को हफ्ते में छः दिन चलाया जाता था लेकिन अब यह ट्रेन केवल चार दिन इस रूट पर चलती है ट्रेन में रोजाना 200 से 250 सीटें खाली रह जाती हैं ट्रेन में सीटें खाली रहने का कारण ट्रेन में सीट खाली रहने के दो प्रमुख कारण हैं बताए जा रहे हैं पहला यह है कि तेजस एक्सप्रेस के आगे राजधानी और शताब्दी चलती हैं इन दोनों ट्रेनों में यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और इनका किराया भी तेजस से कम है ऐसे में लोग राजधानी और शताब्दी में टिकट नहीं मिलने पर ही तेजस का टिकट लेते हैं निजी ऑपरेटर्स के साथ ट्रेन से लगातार हो रहे लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए रेलवे ने मिनिस्ट्री ने फिलहाल किसी दूसरी ट्रेन प्राइवेट ऑपरेटर्स कंपनी को देने से मना कर दिया है कब कितना हुआ घाटा कोरोना महामारी के बाद तेजस की फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा की गई यात्रों की संख्या कम होने पर 2019 से 22 2022 के बीच इसको पांच बार अस्थायी रूप से बंद किया गया लखनऊ नई दिल्ली रूट पर इसको ट्रेन ट्रेन को 2019 और 2022 में दो पॉइंट तैंतीस करोड़ का फ़ायदा हुआ इसके बाद कोविड के दौरान दो हज़ार बीस इक्कीस में सोलह पॉइंट सत्तर करोड़ का घाटा और दो हज़ार इक्कीस बाईस में आठ पॉइंट पचास करोड़ का घाटा हो चुका है तीन साल में दोनों का घाटा बढ़कर बासठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ रुपए पहुंच गया है लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे घाटे में चल रही ट्रेन को फ़ायदा होगा फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया जुड़ रहिए हमारे साथ हम आपको फ्री में ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग